नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। भारतीय वायुसेना IAF ने बीते सोमवार को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH के अपने पहले बैच में शामिल कर लिया है। इस स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मदद से वायुसेना की मारक क्षमता वृद्धि होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में एक समारोह में हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और इनका नाम प्रचंड रखा गया है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल करने से हमारी क्षमता बढ़ेगी और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नवरात्रि और योद्धाओं की भूमि राजस्थान में LCH को शामिल करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जो रक्षा उत्पादन में भारत की क्षमता को दर्शाता है। वहीं IAF प्रमुख चौधरी ने कहा कि LCH को शामिल करना वायुसेना को एक अनूठी क्षमता प्रदान करता है, यह कहते हुए कि हेलीकॉप्टरों ने हिमालयी क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। हेलीकॉप्टर को उच्च ऊंचाई वाले बंकर खत्म करने वाले अभियानों, जंगलों और शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों और जमीनी बलों का समर्थन करने के लिए भी तैनात किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल धीमी गति से चलने वाले विमानों और विरोधियों के दूर से चलने वाले विमान RPA के खिलाफ भी किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित होगा। दोस्तों, वायुसेना में एक प्रचंड नाम के हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया और इनकी मारक क्षमता भी बहुत अच्छी है, बहुत खूब है। हमारी भारतीय सेना में ऐसे हेलीकॉप्टरों को जोड़ने का मतलब है कि हमारी ताकत में बढ़ावा आना, ताकत का, शक्ति प्रदर्शन का अच्छे से इस्तेमाल होना। इस वीडियो को देखकर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है कि आप बताएं कि भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को कितनी शक्ति और बढ़ जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।